तो भाई मैं ध्यान से देख रहा हूँ कौन कौन बंदा वीडियो लाइक नहीं करता और कमेंट भी नहीं करता। खैर, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर्थ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ठंड हो रही है, मतलब इस वीडियो में ठंड हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ऐसा जुगाड़ बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, आपने कभी देखा नहीं होगा। तो गाइस, यकीन मानिए भाई, आज हम ऐसी टॉर्च बनाएंगे जो फ्रेंड फोकस कर सकती है। और नहीं, ये तो फ्रेंड मैं आपको बाकी वीडियो बताऊंगा। प्लीज दोस्त, वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। समझ रहे हो ना, सब पर नजर है मेरी, समझ रहे हो? देखो मेरी नजर, देखो कितनी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। चले फ्रेंड, चलते अपने ट्रैक पर। चलिए, चलो यार। समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, यहाँ पर ले मैंने दो पाइप, 1.5 इंच और 2.25 इंच। देखिए, इसके अंदर इजिली आना चाहिए। लगता है फ्रेंड्स, ये जो मक्खी है ना, उनका टॉयलेट में उठा कर लेकर आ गया हूँ। कितना गंदा रहा है। चलिए, खैर वो बाद में साफ कर लेंगे, पुराने हैं तो हम इसका ही बनाने वाले हैं। बस कर यार। अब गाइस, यहाँ पर 1.5 सूत और भाई 4 इंच का मैं एक बोल्ट ले रहा हूँ विद नट। नट 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 नट, देखिए यहाँ से ये लगा दिया और गाइस यहाँ पर ये लगा दिया। तो ले जाएगा इस दोनों मैंने पार्ट कट कर दिए हैं। और भाई ये गंदा है ही, ये लग रहा है सुतरा। हाँ, ये है ही ऐसा। चलिए भाई, इसे धो लेते हैं। A few moments later. तो ले जाएगा इस, मैंने वॉश कर लिए हैं, धो लिए हैं। और भाई आप पहले के देख सकते हो और भाई अब देख सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर लेने एक शीट और भाई हमें इसका एक एंड कैप बनानी है, बंद करना ही है। तो भाई ढक्कन काफ़ी अच्छे से बन चुका है। चलिए, इसका यूज़ बाद में करेंगे। अब क्योंकि गाइस ये टॉर्च है तो भाई एलईडी तो लगानी ही, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप चुनाव कर सकते हो कई तरीके की एलईडी आती है मार्केट में। देखिए, ये अलग अलग टाइप की है। चलिए मैं आपको चला के देखा, तो रोशनी से पता लगे कौन ज़्यादा ब्राइट है। तो भाई आप खुद देखिएगा, देखिए मज़ा नहीं आ रहा है ना। चलिए अभी इसे चला के देखते हैं। तो ये है इसका पॉजिटिव, अब देखिए। अरे बॉस, आए हाय, अंधा कर दिया भाई साहब, दिखाई ना दे रहा कुछ भी। देखिए देखिए क्या रोशनी, देख सकते हो गाइस, देखिए बिल्कुल वाइट। तो भाई हम इसका यूज़ करने वाले हैं। गाइस, इस एलईडी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाई ये हीट बहुत जल्दी होती है, बहुत ज़्यादा जलती है, तो हीट भी बहुत जल्दी होती है। देखिए, इसके पीछे छोटी सी हीट सिंक भी दे रखी है। लेकिन फ्रेंड्स, ये काफ़ी नहीं है, हमें एक एक्स्ट्रा और इस पर ऐड करनी पड़ेगी। अगर भाई इसमें हीट सिंक नहीं लगाएंगे तो ये चलेगी, जैसे हीट होगी फिर बंद हो जाएगी, जैसे ठंडी होगी फिर ये चालू हो जाएगी। तो फ्रेंड, बंद चालू होते रहेगा अगर आप इस पर हीट सिंक नहीं लगाओगे। तो गाइस, मैं यहाँ पर हीट सिंक का यूज़ कर रहा हूँ, आप इसे लंबे समय तक यूज़ कर सके, घंटे यूज़ कर सके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो भाई मैं इसे यहाँ पर लगाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये वाला पाइप इस पर रखते हैं और भाई इसे कट कर लेते हैं। तो भाई इसे चिपकाएंगे बिल्कुल बीच में, बीच में होल आ गया है, कोनो बात नहीं। तो गाइस, इस एलईडी को मैंने लगभग 1 इंच अंदर लगाई है। और गाइस, इसे अच्छे से चिपका देते हैं जिससे कि भाई ये रुके रहे यहाँ पर। तो गाइस, वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, अब आते हैं भाई इसकी पावर पे, से पावर कैसे देंगे। तो गाइस, पावर के लिए 18650 बैटरी हो भाई, इसे रिचार्ज करने के लिए 5 वोल्ट का 4G मॉड्यूल का हम यूज करेंगे। तो गाइस, फटाफट इसके कनेक्शन कर लेंगे। भाई अभी मेन टॉपिक आना बाकी रह गया है, जुड़ रही है। गाइस, ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, ये बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव है, मॉड्यूल में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए, बहुत इजी कनेक्शन। चलिए सकते हैं साइड में। अब आते हैं गाइस एलईडी कनेक्शन पर। गाइस, एलईडी का एक वायर जो कि पॉजिटिव है वो सीधा पॉजिटिव में लगा दो बैटरी के। और भाई ये रहा नेगेटिव एलईडी का, इसे मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, बस अभी इसे लगा देते हैं। तो लीजिए गाइस, ये तो आपकी एक सिंपल टॉर्च बन गई। देखिए, यहाँ पे एक स्विच लगाइए और भाई चालू। लेकिन फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल एडवांस लेवल तक इसे लेके जाना है। मतलब मैं कहना चाहूँ भाई, इसे ऐसा क्या इसमें एडवांस बनाया जाए जिस फ्रेंड्स थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉर्च हमारी बन जाए। खैर, वो देखेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, ये टॉर्च इसके अंदर जा रही, देख सकते हो कितना गैप है, गैप देखो पाइप में, पहला मैं इस गैप को भरना है। तो गाइस, ये रही रफ कॉपी, आप कोई भी कॉपी ले सकते हो। तो मैं इसके वही बाहर निकले हुए हैं पहले, चलो भाई ये को निकाल लेंगे भाई। वाह, ये तरीका बड़ा गंदा है जो बात है यार। चलो इसे ले लेते हैं और भाई इसे यहाँ रखेंगे और भाई सीधा मार्क लगा लेंगे बस। तो भाई यहाँ से इसे फाड़ लेते हैं। देखिए, ऐसे मैंने 3 कट कर लिए हैं और इसके मैं ऐसे कट कर लूँगा। तो भाई मैंने सारे कट कर लिए हैं और भाई इसी पेपर इस पर लिपट जाएगा
मतलब गुस्से में ना ऐसी मोहब्बत में देखिए इस तरीके से, और देखिए देखिए बिल्कुल बेहतरीन देख सकते हो। तो भाई इसे फेविकोल से चिपका लेते हैं, जो मज़ा उंगली से वो मज़ा नहीं है भाई। देखिए तो गाइस सीबी कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी अच्छी तरह से आ रहा है देख सकते हो। देखिए अब देखिए ये एक तरीका नहीं है, मैंने काफ़ी बार और तरीके बताए हैं, इसे आप कट करके इसे थोड़ा सा और इसका साइज कम कर सकते हो, इसका डायमीटर कम कर सकते हो, तब भी ठीक रहेगा। लेकिन फैट्स मैंने सोचा भाई वो मैंने काफ़ी बार कर दिया है, कुछ नया करें। तो गाइस आप चाहे तो कुछ और भी लगा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ आती है, और मोटा पेपर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, या आप पाइप को फिट कर सकते हो, बिल्कुल मैंने कहा था ना कट कर कर सकते हो। चलिए गाइस ये तो हो चुका है, देखिए इसके अंदर ठीक आ रहा है। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, ये कैसे वर्क करेगा, कैसे अंदर ही बाहर होगा। गाइस वैसे ही कंप्लीट हो चुका है, अगर आप चाहते हो इस पर कोई कलर भी कर सकते हो भाई, इस पर हम क्या कलर करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो ज़्यादातर पार्टीशन अंदर ही रहेगा, तो चलिए हम इस पर कलर कर देते हैं। इस पर अगर हम कलर करेंगे तो फ्रेंड ये थोड़ा कलर जो फेड्स हो जाएगा, जो कि स्क्रेच पड़ जाती है ना, तो इस पर ऐसे रहने देंगे, इस पर थोड़ा कलर कर देंगे। गाइस यहाँ पर हमें दो चीज की जरूरत है, देखिए एक बोल्ट जो मैंने आपको पहले दिखाया था, देखिए एक N20 गियर बटर, काफी पावरफुल होता है दोस्त। देखिए इसकी शाफ्ट इसके अंदर हमें फिक्स करनी है, इसके अंदर होल करना है और इसे चिपका देना है, बहुत ईजी है, चलिए कर लेते हैं। तो गाइस बिल्कुल बीच में होल कर दिया है, और भाई देखते हैं, भाई वाह देखा, देखिए बहुत ही बेहतरीन फिक्स आया है, देखिए देखो बिल्कुल बीच में देख सकते हो, कोई डिसबैलेंस नहीं। तो चलिए गाइस अभी से चिपकाते हैं अच्छी तरीके से, और भाई बहुत ही खतरा है यहाँ पर जो बात है, तो थोड़ा इससे पहले ऐसा करते हैं इसको तो चीज डाल लेते हैं, बस बहुत बढ़िया। तो लीजिए गाइस काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ गई है, और भाई ये नहीं निकलने वाली। तो गाइस ये भी सूख चुका है, काफ़ी बेहतर लग रहा है पहले से। अब गाइस इसे इसके अंदर फंसाते हैं भाई, देखिए अगर मैं दिखाऊं, देखिए ये इसमें ऐसे लग जाएगा, पहले हम फुल टाइट कर लेते हैं जितना भी है ये। तो गाइस देखिए बस इतना जाएगा अंदर, कितना जाएगा बस लास्ट, देखिए देखिए अरे हमें सिर्फ यहाँ तक निकालना है बस इतना, ठीक है। तो भाई वो मार्क लगा लेता हूँ, बस इतना लास्ट, इतना ये अंदर जाएगा, अभी से निकालते हैं बाहर। भाई वाह ये रहा, मान के चलते हैं हम इसे इतना मोटर को रहने देंगे। तो चले गाइस अब आते हैं भाई इस मोटर को यहाँ पे हम रोक कैसे, रोकने का जुगाड़ देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे लेंगे एक पाइप, और देखिए ये जो पाइप है देखिए सेम वही है, इसकी कंडीशन देख के आप पता लगा सकते हो ये दोनों सेम है, 1.25 इंच का, और देखिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ ड्रॉ की है, और देखिए थोड़ी सी दूर एक लाइन यहाँ ड्रॉ की है, मैं इसे कट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने इतना पार्ट कट कर लिया पाइप का, देखिए मैं इसे यहाँ चिपकाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स इसका फायदा मैं आपको वीडियो बताऊँ, बहुत बड़ा फायदा है इसका, पहले मैं इसे धोता हूँ, थोड़ा वॉश कर लेता हूँ, उसके बाद इस पर थोड़ा सा पेंट कर लेता हूँ, सेम टू सेम हो जाएगा। मेरी धुलाई में तो काफ़ी जादू देख सकते हो, जैसे मैं अपना मुँह ना धोता हूँ, लेकिन और बाकी चीज़ काफ़ी अच्छी तरह धो लेता हूँ। तो गाइस ये भी सूख चुका है, और भाई इसे चिपकेंगे यहाँ, लेकिन इसके नीचे पेंट है साफ करेंगे, बस इतना बहुत है। तो पता नहीं यार इसकी क्या आदत है, भागी की जरूरत है तेरे को। चलिए देखिए बेहतरीन चिपक गया। अब गाइस आप एक सर्कल और भाई इसे भी लास्ट में हम चिपका देंगे, बहुत उधम काटने वाले हैं इस प्रोजेक्ट से हम, तो देखते रहो अंदर चिपकेंगे ना तो सफाई रहेगी। तो भाई ये सूख चुका और काफ़ी हैंडी लग रहा है, बहुत लाइट वेट ऐसा लग रहा है, पता ना भाई ये क्या बना दिया, ठीक है। चलिए अभी इसे फिट करते हैं इसके अंदर, और देखिए जहाँ भी ये सीधा लगे हमें इस मोटर को इसमें फिक्स करना है। तो भाई अगर आपने मेरी ड्रॉइंग ना देखी तो अच्छा ही है कि ना देखी, भाई बड़ी ख़राब है जब बात है, चलो आप देख लो। तो इस मोटर को हम फिलहाल निकाल लेते हैं, और इसमें करेंगे काका भट्ट होल। भाई थोड़ा सा मैंने टाइट रखा है, देखिए बहुत बढ़िया। चलो गाइस इस मोटर को रोकते हैं, सबसे बेहतरीन है ये, भैया के अंदर लगा देते हैं। तो गाइस मोटर काफ़ी मजबूती से लग गए, अब आते हैं इसके हैंडल पर। भाई इसे ऐसे थोड़े पकड़ेंगे, इसे ऐसे पकड़ेंगे। तो गाइस ये इसका हमने हैंडल बनाया है, आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए काफ़ी हैवी शीट है, देख सकते हो बहुत हैवी शीट है। तो भाई हम इसे इसके ऊपर लगाने वाले हैं, स्विच के लिए मैंने ऊपर ऑलरेडी होल कर दिए, पेंट भी कर दें, टाइम बच जाएगा काफ़ी सारा। देखिए तो यहाँ मैं इसे चिपका दूंगा इसके बिल्कुल बीचों बीच। तो ले जगह इस हैंडल भी चिपक चुका है, काफ़ी मजबूत है। अब यहाँ पे मैं दो तरह के स्विच यूज़ कर रहा हूँ, टॉगल स्विच और बैंड स्विच, देख सकते हो ऑन
ऑफ ऑन, भाई ये तो आप जानते हो। तो चलेगा फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइस कनेक्शन हो गए हैं, देखिए ठीक है, अब देखिए से आगे पीछे कर सकते हो, देखिए चल रहा है ठीक है, देखिए ये पीछे देख सकते हो। चलिए अब आते हैं इसके कनेक्शन पर, कनेक्शन किए कैसे हैं गाइस। सबसे पहले आते हैं लाइट पर, देखिए ये इसका पॉजिटिव है ठीक है, सीधा पॉजिटिव बैटरी से मिलेगा ठीक है। अब देखिए इसका नेगेटिव है ठीक है, यहाँ पर लग गया स्विच देख सकते हो ठीक है, यहाँ पर स्विच है, ऑन ऑफ करोगे तो ये चल जाएगा। सॉरी इसके कनेक्शन हो गए कंप्लीट। अब आते हैं मोटर कनेक्शन पर, स्विच पर आते देखिए, यहाँ से देखिए एक बार यहाँ लगाया, यहाँ से एक बार यहाँ लगाया ठीक है। अब देखिए ये दो वायर है ठीक है, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव में देखिए वो बाद में डायरेक्शन हो जाएगा देखिए ठीक है, लग गया आप ठीक। अब देखिए ये जो वायर है ये लगा दो इस पर बैटरी पर ठीक है, अब देखिए ये वायर लगा दो इस बैटरी, बस बीच में ऑफ हो जाएगा। इधर उधर ये मोटर लेफ्ट और साइड चलता रहेगा, यानी कि लेफ्ट और राइट चलता रहेगा, आगे पीछे ये लेफ्ट और राइट। भाई फ्रेंड्स ये कनेक्शन आपके समझ में आ गए, बहुत इजी कनेक्शन है, मैंने काफी बार बता दिए इस बारे में, सोचा कि चलो आपको आपका ड्राइंग से बता दूं। फटाफट भाई मैं इन वायर को मैनेज कर लेता हूं। 12 seconds later. तो गाइस वायर को मैंने कुछ इस तरह से यहां पर चिपका दिया है, देखिए देखिए इस तरह से मैनेज हो गए हैं, वैसे चमकेंगे। अब देखिए एक दिक्कत है, देख सकते देखिए ये लूज है, और देखिए एक चीज मैंने और इसमें मॉडिफिकेशन किया, देखिए यहाँ पर देखते दो मैंने क्लिप लगा दी थी छोटे छोटे पीवीसी पाइप की, देख सकते हैं यहाँ पर। इससे फ्रेंड्स ये फायदा होगा जब ये घूमेगा ना तो इधर तो नहीं रो पाएगा, देखो मैंने ये घूम जाएगा ठीक है ना, तो ये यहाँ पर रुका रहेगा इससे भी और इससे भी, क्योंकि आगे पीछे होगा ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, तो इसके लिए छोटा सा मैंने एक क्लिप और कट कर लिया, इसमें यहाँ चिपका दूंगा, अब ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा इससे। तो गाइस ये कंप्लीट हो चुका है, अब देखिए यहाँ पर मैंने देखिए कुछ भी नहीं लगाया है देखिए। तो फ्रेंड्स क्या ये ऐसे ही खुला रहेगा, आगे पीछे होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, चले वो जानते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ अनोखा होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास, और ये मुझे सिर्फ 10 रुपए का मिला है स्टेशनरी शॉप पर, आप ला सकते हो सिर्फ 10 रुपए में। भाई इसका हम जो ग्लास है ये निकाल लेते हैं, और गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो ये कौन क्या है, ये कॉन्वेक्स ग्लास है, कौन सा ग्लास है ये। और आपको यहाँ पे 1 किलो और देना चाहूंगा, देखिए ये बीच में से मोटा है और साइड में से पतला है। तो भाई देखिए इसमें काफी लूज है, तो यहाँ पर मैं एक एडाप्टर टाइप का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा पीवीसी पाइप का इस तरह का रिंग कट कर लिया है, और भाई मैं इसे इसके अंदर लगा दूंगा, देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए भाई चिपकाते हैं बस, और गाइस इस ग्लास को इस पर चिपका देंगे बस, समझो काम हो गया। तो लीजिए गाइस ये यूनिक टॉर्च बन चुकी है बॉस, देखिए अंदर देख सकते हैं इसके, देखिए कैसे लाइट चमक रही है, और भाई मैं इसे आगे पीछे भी कर सकता हूँ देखिए, और भाई देखिए हो गया, और इसे पीछे कर सकते हैं देखिए। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा ये मैं आपको इसको टेस्ट में दिखाऊंगा। गाइस किसी भी मोबाइल चार्ज आप इसे चार्ज कर सकते हो, देखिए यहाँ पे सॉकेट है, ओ भाई लगा दिया, अभी रिचार्ज हो रहा है ठीक है, हो गया रिचार्ज, तो ठीक है इसे निकाल लेते हैं। देखिए गाइस मैं इसे पीछे करता हूँ, देखिए देखिए क्या इफेक्ट आएगा, देखिए पीछे जा रही है देख सकते हो, देखिए पीछे चलेगी बिल्कुल लड़ी, देखिए बिल्कुल पीछे। फ्रेंड्स अगर मैं भाई ऐसे देखूँ तो बिल्कुल ऐसा हो कितनी पीछे लड़ी जा रही है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हो देखिए इसके अंदर हमने लेंस लगाया। तो चलेगा फटाफट अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, भाई हमने बनाया क्यों है, क्या बनाया, कैसे वर्क करता है, चले वो जान लेते हैं। तो गाइस चलिए मैं ऑन करता हूँ, देखिए कितना बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, देख सकते हो भाई, देखिए अगर मैं यहाँ पे स्विच यानी मोटर को आगे करता हूँ, यानी कि इस पूरी को पूरी एलईडी को आगे करता हूँ, देखिए अब देखिए देखिए सर्कल और बड़ा हो गया फ्रेंड, देखिए अगर आपको थोड़ा बड़ा जगह चाहिए तो देखिए आप ऐसे कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है देखिए। अब देखिए गाइस आपको काफी दूर तक देखना इस लाइट से, जो ये टॉर्च है इससे आपको काफी दूर तक देखना, ये क्या कर फ्रेंड्स ये तो रोशनी फैला रहा है ठीक है, फोकस नहीं कर रहा। अब चलिए मैं लाइट को लेंस से दूर ले जाता हूँ, यानी कि पीछे ले जाता हूँ मोटर को, देखिए अब सर्कल देखेगा देगा इस किस तरीके छोटा देखिए, और मैं कम से कम 15 फीट दूर खड़ा हूँ इस दीवार से, और देखिए यहाँ फ्रेंड्स अब काफी दूर तक तो आप देख सकते हो इससे, देखिए देखिए बोर्ड के देखिए यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ तक पूरा हो गया है देखिए। तो गाइस अब आप बहुत दूर तक तो जा सकते हो, इसका फोकस बहुत दूर तक है, देखिए कितना हाई फोकस है देखिए टॉर्च को देखिए। तो गाइस ये तो मैं स्टूडियो में आपको चेक करा रहा हूँ, चले फ्रेंड मैं थोड़ा बाहर चलकर आपको दिखाता हूँ कितने दूर तक ये लाइट मर सकता है या कितने इसकी रोशनी है। तो गाइस मैं बाहर आ गया, चलिए इसे ऑन करता हूँ, देखिए वाओ देखिए गाइस क्या मस्त लाइट, देखिए कितनी तेज ब्राइटनेस है देख सकते हो, और भाई देखिए देखिए कितनी बेहतरीन ब्राइटनेस है रोशनी देखिए। एक बात और गाइस अभी आपको बताऊंगा, देखिए अगर मैं देखिए अगर इसे थोड़ा सा दूर करता हूँ, देखिए देख सकते हो देखिए कितना बड़ा एक तरह का रिंग बना, लेकिन फ्रेंड्स एलईडी जो है बिल्कुल लेंस के पास ही देखिए,
कितना बड़ा रिंग बना हुआ है और आप आसपास काफी बड़े एरिया में देख सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स आप दूर तक नहीं देख सकते, यानी कि दूर तक का फोकस नहीं कर सकते। देखा इस, अगर मैं तो दूर तक आता हूँ, देखिए वो दूर का पेड़ फ्रेंड्स मैं देख सकता हूँ, आप कैमरे पर नहीं देख सकते। अब चलिए मैं लाइट बंद करता हूँ और भाई मोटर को यानी कि एलईडी को दूर ले जाता हूँ लेंस से। जितनी दूर लेंस होगा उतनी बारीक उतनी उतना अच्छा फोकस होगा दूर तक। देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, आवाज़ आप सुन सकते हो, ये पीछे जा रहा है। देखा इस, मैं ऑन करता हूँ, देखिए कितना छोटा रिंग बना हुआ है। देखिए अब देखिए मैं से पेड़ पड़ता हूँ, देखा आप आराम से 500 मीटर तक दूरी से देख सकते हो। देखिए ये हीरो जा रहा है, देख सकते हो भाई। वाह, ओ लंडे, ओ इधर आ, आजा पार्टी करेंगे इधर को। देखिए रुक भी गया। गाइस प्लीज इसे अपनी आंखों में ना मारे भाई, बहुत खतरनाक है आंखों के लिए, तो मैं इसे बंद करता हूँ। फ्रेंड्स एक बात और, लेंस से जितनी दूर एलईडी जाएगी उतना फ्रेंड यहाँ पर दूर तक फोकस मारेगी, और जितना पास आएगी ये जो रिंग है उतना ही बड़ा बनेगा। और फ्रेंड जो नॉर्मल टॉर्च होती है उसमें जो फोकस फिक्स रहता है, इसमें फोकस कर सकते हो, डिफोकस कर सकते हो, पास में और दूर में। ये फ्रेंड नॉर्मल टॉर्च नहीं, बिल्कुल यूनिक टॉर्च है। और गाइस ये किसानों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है गाइस, आपको जरूर बनानी चाहिए। और गाइस ये लेंस इस एलईडी की पावर भाई कई गुना बढ़ा देता है, आप खुद ही देख सकते हो। और काफी लोग कहेंगे समर भाई तू तो मना कर रहा, मुंह पे नहीं मानने चाहिए। फ्रेंड्स मैं सिर्फ आपको टेस्टिंग करके दिखा रहा हूं, प्लीज ना मारे ऐसा, यानी कि ऐसा ना करें। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई जो पता है आपको ये जुगाड़ कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं।